दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोविंदा के करियर को फ्लॉप होने के 3 सबसे बड़े कारणों को। एक समय था जब गोविंदा को रहते सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज एक्टर को उतना काम नहीं मिलता था। वो भी एक समय था जब गोविंदा एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे, हफ्ता के 7 दिन बिजी रहते थे। सिनेमा घरों में उनकी फिल्म इतनी चलती थी कि कई दिनों तक हॉस्पिटल का बोर्ड लगा रहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोविंदा अपने लाइफ में क्या गलती कर बैठे जिसकी वजह से वो आज फ्लॉप है, उन्हें कोई काम नहीं मिलता है और न ही उनकी कोई फिल्म आती है। वहीं अगर हम बात करें सलमान, शाहरुख और अक्षय कुमार की, जो इन्हीं के जमाने के एक्टर हैं, वो आज हर साल 3 से 4 फिल्में कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इन लोगों के पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन गोविंदा अपने करियर में क्या गलती कर बैठे जिसकी वजह से वह इतना नीचे गिर गए हैं कि लोग उन्हें पूछते तक भी नहीं हैं। आइए जानते हैं गोविंदा के फ्लॉप होने के 3 सबसे बड़ी कारणों को। कारण नंबर 1, शूटिंग पर लेट आना, यानी कि लेट्स गो टू द शूटिंग। दोस्तों गोविंदा के बारे में यह बात इंडस्ट्री में सभी को पता है कि वह शूटिंग सेट पर हमेशा बहुत ही देर से पहुंचते थे, जिसकी वजह से निर्देशक और को एक्टर्स को बहुत ही परेशानी होती थी। कई बार समझाने के बाद भी वो अपने ही हिसाब से सेट पर पहुंचते थे। हालांकि उस दौरान गोविंदा की फिल्में बहुत चलती थी, इसलिए उनकी हर हरकत को लोग माफ कर देते थे। कारण नंबर 2, डेविड धवन से दुश्मनी करना पड़ा महंगा। दोस्तों गोविंदा के अब तक जितने भी फिल्में सुपरहिट रही है, ऐसे में उनका साथ दिया था डेविड धवन ने, लेकिन गोविंदा ने बाद में उन्हीं के साथ पंगा ले लिया। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ किसी वजह से झगड़ा कर लिया, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गया और डेविड धवन ने अपनी फिल्मों में गोविंदा को लेना ही बंद कर दिया, जिसके बाद गोविंदा का करियर दिन पर दिन नीचे लुढ़कता चला गया। कारण नंबर 3, फिटनेस का ध्यान नहीं देना, यानी कि नॉट पेइंग अटेंशन टू फिटनेस। दोस्तों आज गोविंदा का करियर बर्बाद होने का सबसे मेन कारण फिटनेस भी है। उन्हीं के उम्र का सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं, क्योंकि वो ट्रेड के साथ साथ फैशन और फिटनेस का पूरा ध्यान देते हैं। आजकल बॉलीवुड का हर एक्टर फिट होता है, लेकिन बात जब गोविंदा की करें तो उन्होंने अपने फिटनेस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी फिजिक खराब होती गई और उनका लुक बिगड़ गया, जिसके बाद से उन्हें लीड एक्टर का किरदार मिलना बंद हो गया। तो फ्रेंड्स ये था गोविंदा का करियर बर्बाद होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण। उम्मीद है ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको भी जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। वो ये कि चाहे तो कुछ भी हो जाए, अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए और अपने से बड़े लोगों को हमेशा आदर करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिसकी वजह से आप इस मकाम तक पहुँचे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।